हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सबकी अच्छे से चल रही होगी पीसीएस की। ठीक है, किसी ने भी इस एजम्पशन में नहीं रहना कि पेपर सितंबर में होगा या नहीं होगा। बोर्ड ने, जो पंजाब सिविल सर्विसेज का जो आपका बोर्ड है, उसने बोला है कि पेपर सितंबर में होगा। तो जब तक अब वो ना बोल दें कि नहीं भैया पेपर सितंबर में नहीं होगा, तब तक आपने यही लेकर चलना है कि पेपर सितंबर में ही होगा। ठीक है, किसी ने अपनी फालतू की अजम्पशंस नहीं लगानी है कि होगा या नहीं होगा। ओके, बहुत से चतुर लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कम्पीट करने वाले होंगे, मन में आपके ये बातें लाने की कोशिश करते हैं बच्चे। ठीक है, जो जैसे थ्री इडियट्स में आपने चतुर देखा ना, तो वो चतुर लोग होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को हिंडर कर रहे हैं। ये समझ लेना कि वो खुद तैयारी में लगा हुआ है जोरों शोरों से, ये समझ के अपना जो है डिसीजन लेना। चलिए, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन डिविजन्स करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट्स आपसे पूछ ली जाती हैं, पंजाब में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर क्या है, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम जो हैं एंशियंट पर्सनैलिटीज़ या मिडिवल इंडिया की पर्सनैलिटीज़ पे उनके नाम पड़े हैं, तो किस नाम से जो है रेलिवेंस उसकी निकलती है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जो भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आएगी, जो भी पॉपुलेशन कितनी है, सेंसस का डाटा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की क्या सेक्स रेशियो है, क्या लिटरेसी रेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम सेक्स रेशियो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी सबसे कम है, तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट को कवर करें, तो ये पार्ट वन रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या इस ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इस ईमेल आईडी के ऊपर भी मेल कर सकते हो। ठीक है, पीसीएस के हमारे फुल फ्लैश कोर्सेज हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के वहाँ से परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की अगर हम बात करें, तो पंजाब को 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में जो है बांटा गया है, फिर फरीदकोट डिवीज़न, फिरोजपुर, जलंधर, पटियाला और रोपड़ डिवीज़न। फरीदकोट डिवीज़न जो है 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब हर डिवीज़न में कुछ नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, तो फरीदकोट डिवीज़न में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फरीदकोट, भटिंडा और मानसा। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सी डिवीज़न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। एग्ज़ाम में सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, विच ऑफ़ द फॉलोइंग, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म करके दिखाऊँ, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर फरीदकोट डिवीजन। ऑलराइट, ओके, अब मैंने यहां पर आपको बोल दिया 1 फरीदकोट, 2 भटिंडा, 3 मुक्तसर, 4 मोगा। ऑप्शंस में मैंने आपको दे दिया ए 1, 2, 3 एंड 4, बी में मैंने आपको दे दिया 1 एंड 2 ओनली, सी में मैंने आपको दे दिया 3 एंड 4 ओनली, डी में मैंने आपको दे दिया 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट डिवीज़न में आता है। तो 1 और 2 आता है फरीदकोट डिवीज़न में, लेकिन मुक्तसर और मोगा दैट इज़ 3 एंड 4, वो कहाँ पर आता है, वो फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 एंड 2। तो इस तरह से सवाल जो है बन सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है। अब आज का जो हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का टारगेट रहेगा, वो रहेगा फरीदकोट डिवीज़न के ऊपर। हम फरीदकोट डिवीज़न की इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आज कवर करेंगे, बाकी के आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी सारे डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। ओके, चलिए, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन फरीदकोट। अब अगर आप फरीदकोट डिवीज़न को देखो, तो ये यहाँ पर आपका फरीदकोट डिवीज़न है, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फरीदकोट, भटिंडा और मानसा। ऑलराइट, तो सदरन पंजाब आप कह सकते हो कि सदरन पंजाब में जो है आपका फरीदकोट डिवीज़न है। मैप के साथ देखते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैप बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली आंसर कर सको। फरीदकोट डिवीज़न को 2 दूसरे जो डिवीज़न्स लग रहे हैं वो कौन से हैं, फिरोजपुर डिवीज़न और पटियाला डिवीज़न। ठीक है, फिरोजपुर डिवीज़न और पटियाला डिवीज़न जो है वो बॉर्डर करते हैं आपके फरीदकोट डिवीज़न को। ऑलराइट, चलिए, अब फरीदकोट डिवीज़न की अगर हम बात करें, तो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट जो है इसको 1972 में क्रिएट किया गया था। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 1972 में इसको क्रिएट किया गया था। उससे पहले जो है फरीदकोट एक तहसील होता था भटिंडा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो
1972 में इस तहसील को बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ऑलराइट, और मोगा और मुक्तसर को अलग किया गया था फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। 1995 में फरीदकोट को 3 हिस्सों में ट्राइफरकेट किया गया, और ट्राइफरकेट करके यानी कि 3 हिस्सों में इसका बंटवारा हुआ, मुक्तसर मोगा। अब मुक्तसर और मोगा को 2 अलग डिस्ट्रिक्ट्स बना दिया। पहले क्या किया, फरीदकोट तहसील को बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से अलग किया, और मोगा और मुक्तसर को फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग किया, और एक फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट कॉमन डिस्ट्रिक्ट बना दी। 1995 में फिर इसको ट्राइफरकेट किया गया, फिर फरीदकोट से मुक्तसर और मोगा को अलग किया गया। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि ट्राइफरकेशन जब हुआ फरीदकोट का, तो कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फरीदकोट से अलग किए गए, तो आप क्या कह दोगे, मुक्तसर और मोगा अलग किए गए, तो उसमें भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर हम फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, ये आपकी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है, तो साउथ वेस्ट में आती है पंजाब स्टेट के, क्लियरली हम देख सकते हैं। नॉर्थ अगर हम मैप की बात करते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो आपका जो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है ये साउथ वेस्ट में आता है। अगर हम सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, अब सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट देखो, ये जो और सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो इंटरव्यू में जनरली कई बार एग्जाम जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, वो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ भाई बताओ फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा इनफैक्ट, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद आपको, आपके प्रीलिम्स और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू में भी पूछेगा, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस में आपको कोई नहीं पूछने वाला है, तो मेंस के लिए इसकी रेलिवेंस ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट को कौन बॉर्डर करता है, अगर आप देखो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर आप देखो तो मोगा एक तो आ गया, उसके बाद आपका फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है, मोगा और फिरोजपुर आ गया, और अगर आप देखो बठिंडा और मुक्तसर, बठिंडा और मुक्तसर, श्री मुक्तसर साहिब, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके फरीदकोट को बॉर्डर करते हैं। कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट्स, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब। सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करती है, या ये सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट बॉर्डर फरीदकोट, ठीक है, जो फरीदकोट के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल 3 ऑप्शंस दे देगा, ए दे देगा मोगा, बी दे देगा श्री मुक्तसर साहिब, सी दे देगा बठिंडा और डी दे देगा गुरदासपुर, तो कौन सी बॉर्डर नहीं बनाती, डी गुरदासपुर बॉर्डर नहीं बनाती, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन, अब ये वाला जो डाटा है ये आपके प्री में भी काम आएगा, ये आपके मेंस में भी काम आएगा, और ये आपके इंटरव्यू में भी काम आता है, ठीक है, मेंस में कहीं बॉर्डर पॉइंट आपको लिखना है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, 617,508। डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी है, 424 पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो जब हम सारी डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा कम है, लिटरेसी किसकी ज़्यादा है, लिटरेसी किसकी कम है, वो जब हम सारी कर लेंगे तब हम एक कंपेरिजन करेंगे, ऑल राइट। चलिए, तो 424 पर स्क्वायर किलो पर किलोमीटर स्क्वायर जो है इसकी डेंसिटी है। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें 890, सेक्स रेशियो क्या होता है, वुमेन पर 1000 मेन, या गर्ल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड्स, ऑल राइट। तो 890 इसकी सेक्स रेशियो है, काफ़ी लो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के हिसाब से, और लिटरेसी रेट जो है 69.55% है। अगर आप फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आप इंटरव्यू में पहुंचते हो, तो ये वाला जो डाटा है आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो जाता है, ऑल राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट को फर्दर 3 तहसील्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है आपकी फरीदकोट तहसील। अब फरीदकोट तहसील को के जो फाउंडर थे वो थे आपके राजा मोकैसल। अगेन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये जो तहसील है फरीदकोट तहसील है, इसको इसका जो नाम है ये बाबा फरीद के नाम से रखा गया है, फरीद से फरीदकोट, ठीक है। बाबा फरीद के बारे में भी हम और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इससे पहले फरीदकोट से पहले ये मोकलहार नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है फरीदकोट डिवीजन का, या फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का कौन सा तहसील है जिसको पहले मोकलहार नाम से जाना जाता था,
मोकलहर या मोकलहार नाम से जाना जाता था, तो आप कह दोगे फरीदकोट को। उसके बाद कोटकपुरा तहसील, इसको चौधरी कपूरा इसके फाउंडर थे, ठीक है, चौधरी कपूरा, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंस नहीं है। जैतो तहसील, इट वॉज फाउंडेड बाय सिद्धू जट जैतो, ऑलराइट, इसी नाम, इनके नाम से ही जो है इसका तहसील का नाम पड़ा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा बाबा फरीद के बारे में जानना, तो इनके बारे में जानते हैं। तो अराउंड 134 शब्द या हिम जिसको आप बोलते हो, शेख फरीद के या बाबा फरीद के गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे गए हैं, इसीलिए बाबा फरीद की जो रेलिवेंस है सिखिज्म से और पंजाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जो सिख स्कॉलर्स हैं वो इन हिम्स को फरीद शकरगंज ऑफ पाक पट्टन, अ डिसिपल ऑफ सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो जो ये बाबा फरीद थे आपके, ये सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो थे डिसिपल थे, उनके शिष्य थे। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में आप जानते हो, दिल्ली में जो आपका कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार बनाया था, ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुतुब मीनार बनाया था स्लेव डायनेस्टी के रूलर, क्या नाम था उस राजा का, स्लेव डायनेस्टी का राजा था जो, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भी डिसिपल था आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कुतुब मीनार जो है वो मीनार बनवाया था। ऑलराइट, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सीधा सीधा सवाल हिस्ट्री का आपका यहाँ से बन जाता है, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किस सूफी सेंट के लिए बनवाया, तो आप कह दोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और जो आपके बाबा फरीद थे ये भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही शिष्य थे। अब कई लोग कुछ बार कंफ्यूजन कर देते हैं कि ये जो बाबा फरीद हैं, देखिए इसमें दो बाबा फरीद, दो फरीद हुए हैं, ठीक है, ये जो सिलसिला था जिसके बाबा फरीद मेंबर थे, तो बाबा फरीद के बाद इसी सिलसिले में एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था शेख ब्रह्म इब्राहिम, जिनको फरीद सैनी या फरीद द सेकेंड भी कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जिन बाबा फरीद के नाम पे फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है वो फरीद, बाबा फरीद आपके जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक है, और इनका जन्म जो है 12वीं सदी में हुआ था। जो आपके सेकंड बाबा, जो सेकंड फरीद थे, जो फरीद सैनी थे, ये तो काफ़ी लेट आए थे, ये गुरु नानक देव जी के टाइम पर आए थे और गुरु नानक देव जी पर्सनली इनसे दो बार मिले। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप देखो गुरु अर्जन देव जी ने, आप सब जानते हो जो पांचवें सिख गुरु थे, उन्होंने कुछ आदि ग्रंथ में जो शब्द थे वो बाबा फरीद की लिखी हुई शब्दों में से भी उनको इनकॉर्पोरेट किया उसमें, और बाबा फरीद की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आप देखो सिख धर्म में 10 सिख गुरु हैं और 15 सिख भगत हुए हैं, ठीक है, तो बाबा शेख फरीद जो हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा रेवरेंस, काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है इन 15 भगत के मुकाबले, इन 15 भगत की जितनी इंपॉर्टेंस जो है बाबा फरीद को सिख धर्म में दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए सवाल जो है वो बन सकते हैं, तो इसीलिए आपको तैयार रहना है। चलिए अब प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, गुरुद्वारा टिल्ला है यहाँ पर जो बाबा फरीद का टॉम्ब है, ठीक है, और गुरुद्वारा टिब्बी साहिब है, ये आपको सर ने जो है गुरुद्वारा जो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा डिस्कस किए हैं उसमें इसकी ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। राजमहल है, दरबारगंज है, स्टेट सेक्रेटेरिएट मेड बाय राजा हरिंदर सिंह, ठीक है, जहाँ पर अब जुडिशियल कोर्ट है, और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप क्या कह दोगे, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सीधा सीधा सवाल आ जाता है कई बार स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में कि इन विच डिस्ट्रिक्ट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इज एस्टैब्लिश्ड, तो आप सिंपली आंसर कर दोगे कि इट इज एस्टैब्लिश्ड इन फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हमारी आ जाती है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट। अगर आप बठिंडा को देखो तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये है आपकी बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 1948 में ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ये पेप्सू का पार्ट बनी। पेप्सू को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है, जब हमने जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट पंजाब की वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में देख लो, सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पेप्सू की डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, पेप्सू क्या था, कैसे बना, कब डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1948 में पेप्सू के साथ जुड़ गया, उसके बाद 1956 में पेप्सू जो है
वो पंजाब के साथ मर्ज हो गया, तो इसका मतलब भटिंडा भी पंजाब के साथ मर्ज हो गया। ऑल राइट, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो सदर्न पार्ट में है पंजाब के। अगेन देखो, डिवीजन जो हम फरीदकोट डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी की पूरी डिवीजन ही आपकी साउथ में है, तो डिस्ट्रिक्ट्स तो साउथ में होंगी ही होंगी। मालवा रीजन का पार्ट फॉर्म करता है। मालवा रीजन क्या होता है अभी मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। ये दोआब है सतलुज और यमुना नदी के बीच में, ठीक है। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है, तो सतलुज और यमुना नदी। पूछा जा सकता है कि मालवा रीजन जो है कौन सी दो नदियों के बीच का दोआब है, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। सतलुज और ब्यास के बीच का है, सतलुज और चेनाब के बीच का है, या जो भी दो नदियां दे देंगे, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जब एक बार हमारी थ्योरी हो जाएगी ना, तब हम आपको एमसीक्यू जैसी प्रैक्टिस भी करवाएंगे इनके, ओके। चलिए उसके बाद अगर आप देखो, सराउंडेड बाय सिरसा एंड फतेहबाद ऑफ हरियाणा। अगर आप नीचे देखोगे तो भटिंडा के नीचे आपको हरियाणा की दो डिस्ट्रिक्ट सिरसा और फतेहबाद जो है वो लगती हैं। इन द साउथ एंड मनसा डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट। अगर आप देखो ईस्ट में पंजाब की ही मनसा डिस्ट्रिक्ट है। मोगा एंड बरनाला इन द नॉर्थ ईस्ट, ये रहा मोगा और ये रहा बरनाला, ठीक है। उसके बाद फरीदकोट एंड मुक्तसर इन नॉर्थ वेस्ट, फरीदकोट एंड मुक्तसर इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो है पंजाब की लगती हैं, काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स इसको लगती हैं। तो टोटल अगर आप देखो कौन कितनी डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब की भटिंडा को बॉर्डर करती हैं, और दो डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा की। हरियाणा वाली कौन सी थी, सिरसा और फतेहबाद। चलिए पॉपुलेशन की बात करें, अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से 13,88,525 की पॉपुलेशन है। डेंसिटी की बात करें तो 414 पर किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी है। सेक्स रेशियो की बात करें तो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से भी जो है कम इसकी सेक्स रेशियो है, 868। लिटरेसी भी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है भटिंडा तहसील है, ठीक है। भटिंडा तहसील का पुराना नाम क्या था, विक्रमगढ़, रामपुरा फुल, तलवंडी साबो और मोड़, ठीक है। ये मोड़ जो है ये एक कास्ट है जो जट ऑफ मान सब कास्ट, तो वहीं से ये जो है नाम पड़ा है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो मोड़ था उसको सब तहसील के स्टेटस से अपग्रेड करके सब डिविजनल हेडक्वार्टर बना दिया था 2013 में, ठीक है। और उसके बाद ये चार हो गए सब डिवीजन। उससे पहले क्या होता था, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ तीन ही तहसील होते थे, अब चार हो गए हैं। मोड़ जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। अगेन अगर कोई भटिंडा डिस्ट्रिक्ट का है तो इंटरव्यू में ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। ऑल राइट, प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तख्त से दमदमा साहिब, किला मुबारक। किला मुबारक के बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एक दो। भैया फोर्ट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इसके लिए, भैया फोर्ट के लिए, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लखी जंगल, लखी जंगल की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो आपके पहले सिख गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, वो यहाँ पर गुरुद्वारे में आए और यहाँ पर उन्होंने बैठ करके 1,00,000 बार जो होली जो धार्मिक पाठ था जप जी साहिब का वो किया, श्री जप जी साहिब का पाठ 1,00,000 बार किया। इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया, लाखी जंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जो एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये लाखी जंगल नाम की जगह पर और कोई सिख गुरु ने कभी विजिट किया, तो 3 सिख गुरु, टोटल हमारे पास 10 सिख गुरुज हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव जी गए, जिनकी वजह से यहाँ पे नाम ये जो है लाखी जंगल पड़ा। उसके बाद 3 सिख गुरु जो हैं और यहाँ पर गए, वो कौन कौन थे आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले थे आपके 6th सिख गुरु हरगोबिंद जी, 7th गुरु हर राय जी और आपके 10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। तो ये 3 गुरु जो हैं ये भी आपके लाखी जंगल नाम की जगह पर गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में है। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि लखी जंगल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, या कौन से सिख गुरु जो हैं वो इनसे रिलेटेड हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब किला मुबारक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और ये काफ़ी पुराना जो है फोर्ट है, किला है। ऐसा नहीं है कि ये 100 साल 200 साल पुराना किला है, ये कम से कम 1,000 साल पुराना किला है। तो अगर आप इस किले की ईंटों को देखो तो ये किले की जो ईंटें हैं ये कुशन पीरियड से बिलोंग करती हैं, जब कनिष्क राजा हुआ करता था, और वो आज से 1500 साल पहले की बात है, समझ रहे हो, जब इंडिया के ऊपर कुशानाज और बैक्टीरियंस का रूल हुआ करता था, ओके। और इसको जो माना जाता है कि इस पर्टिकुलर फोर्ट को बिल्ड किसने किया, राजा दाब अलोंग विद एम्परर कनिष्का इज बिल्ट टू हैव बिल्ट द फोर्ट। तो ये राजा दाब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बच्चे कहते हैं कि सवाल कहाँ से आ गया, हमें पता ही नहीं चला, पढ़ के जाओगे तो पता चलेगा कि सवाल कहाँ से आया है,
ठीक है। चलो, किला मुबारक भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट जो है डिक्लेयर किया हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो है इसकी मेंटेनेंस की जाती है। अराउंड 1100 to 1200 AD से ये एग्जिस्टेंस में है, ऑलराइट। और ये वही जगह है जहां पर रजिया सुल्तान, जो हिंदुस्तान की पहली जो है राजा बनी, जिन्होंने दिल्ली थ्रोन के ऊपर राज किया, उनको यहां पर कैप्चर कर लिया था और उनकी गद्दी से हटा दिया गया था। यहां पर वो अल्तुनिया नाम के बंदे से लड़ने आई थी, अल्तुनिया ने अल्टीमेटली रजिया सुल्तान को हरा दिया था और रजिया सुल्तान को यहां पर उन्होंने बंदी बना लिया था। उसके बाद रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली और रजिया और अल्तुनिया दोनों दिल्ली जाने लगे, लेकिन बीच में बालबन ने इन दोनों को मरवा दिया एंड अल्टीमेटली खुद को राजा बना लिया। ये हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब हम सारी स्टोरी पढ़ते हैं। अगर आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली है तो आप इसको इजीली रिलेट कर पाओगे, सॉरी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री तो इजीली रिलेट कर पाओगे, नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रजिया सुल्तान सब आप लोग सब जानते हो, हेमा मालिनी ने पिक्चर भी बनाई थी रजिया सुल्ताना, और रजिया सुल्तान पहली हिंदू सॉरी पहली वुमेन थी जो दिल्ली पे जिन्होंने दिल्ली थ्रोन पर जिन्होंने रूल किया, फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद कोई वुमेन रूलर नहीं आई। ओके, उसके बाद लास्ट है हमारी अब मनसा डिस्ट्रिक्ट। तो मनसा डिस्ट्रिक्ट को अगर हम देखें, 1992 में ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था भटिंडा डिस्ट्रिक्ट से अलग करके इसको, ठीक है। मनसा जो है ये पंजाब के कॉटन बेल्ट में आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉटन जो फील्ड्स हैं बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, इसी वजह से इस एरिया को एरिया ऑफ वाइट गोल्ड कहा जाता है। सीधा सीधा सवाल बनकर आ जाता है कि एरिया ऑफ वाइट गोल्ड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, या एरिया ऑफ वाइट गोल्ड की क्या रेलिवेंस है, और ऐसी ऐसी टर्म्स आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हो अगर एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है, ऑलराइट। तो फॉर्डर पॉइंट हो जाता है आपके लिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो अगेन सदर्न पार्ट में, ये तो हमें पता ही है। सराउंडिंग देख लेते हैं, सबसे पहले संगरूर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपका, ठीक है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में भटिंडा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अगर आप देखो, ठीक है, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, बरनाला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो पंजाब के तीन डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये मनसा डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करते हैं। चलिए पॉपुलेशन की बात करें तो 769,751 की पॉपुलेशन है, डेंसिटी 350 पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है, सेक्स रेशियो 883, लिटरेसी रेट 61.83, ठीक है, लीस्ट लिटरेट, यानी कि जो मनसा डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा कम लिटरेसी है। सीधा सीधा सवाल बनता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, ये सीधा सवाल पेपर में बनता है और इसमें दो नंबर आ जाने चाहिए। अगर इसमें भी दो नंबर नहीं आ रहे ना, फिर कमी है अपने में, ठीक है। ऑप्शन में चार और रहेंगे और एक ऑप्शन रहेगा आपका मनसा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मनसा, ऑलराइट। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो मनसा जो है इसके फाउंडर जो है वो है आपके भाई गुरदास। भाई गुरदास के बारे में, भाई गुरदास जी के बारे में अभी हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है दैट इज बुधलाडा। अब बुधलाडा ये जो थे दो भाई थे, खत्री कास्ट के भाई थे, और इन्हीं के नाम पे इस तहसील का नाम रखा गया है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड सरदूलगढ़। ये एंशियंट नेम ऑफ सरदूलगढ़ वॉज रोड़ी दुद्दल, पहले इसका नाम था रोड़ी दुद्दल। द सन ऑफ महाराजा पटियाला एस सरदूल सिंह केम हेयर फॉर हंटिंग, और उन्हीं के नाम से सरदूलगढ़ नाम जो है पड़ा। अब हम पढ़ेंगे भाई गुरदास के बारे में। तो भाई गुरदास जी जो हैं सिख स्कॉलर हैं, मिशनरी हैं, ठीक है, और ये गुरु अर्जन देव जी के समय में थे, गुरु अर्जन देव जी के साथ रहा करते थे। तो एक सीधा सीधा सवाल बन जाता है कि भाई गुरदास वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ विच सिख गुरु। कंटेम्प्रेरी क्या होता है, समकालीन, यानी कि एक समय में एग्जिस्ट करने वाले, जैसे आप और आपका कोई दोस्त हो, आप दोनों एक समय के लोग हो, कंटेम्प्रेरी लोग हो, आप एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो गुरु अर्जन देव जी के समय में थे आपके भाई गुरदास, और इन्हीं के सुपरविजन में जो सिख फिफ्थ गुरु थे, जो आपके गुरु अर्जन देव जी थे, उन्होंने पहली कॉपी सिख स्क्रिप्चर की, जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर कंपोज किया, अल्टीमेटली जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब बना, ऑलराइट। एंड जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, इट इज़ नाउ ट्रेटेड एज द परपेचुअल गुरु, ठीक है। आप सब जानते हैं कि दसवें गुरु के बाद गुरु गद्दी की प्रथा जो है उसको रोक दिया गया, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो अब एक उसको माना जाता है कि वो अनंत काल गुरु हैं,
गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है, ऑफ द सिक्स एंड इज सेंट्रल टू द सिख रिलीजन। भाई साहिब इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपोजिंग द कॉम्पोजिशन नोन एज कबीर सवाई भाई गुरदास, ठीक है, ये भी इन्होंने कंपोजिशन जो है कंपोज की थी, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने किया है फरीदकोट डिवीजन, नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरा डिवीजन करेंगे, उसके बारे में सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे, फिर उस पूरे डिवीजन को कवर करने की कोशिश करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है। उसके अलावा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप लोगों को मिल ही गया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।